9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है। इस प्रकार से करें माँ भगवती की आराधना एवं कितने बजकर कितने मिनट पर करें कलश स्थापना, जानते हैं इस विषय पर विशेष रूप से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी वालों के साथ। ओम पीताम्बरायै नमः, ओम दुर्गायै नमः। आइए चर्चा करते हैं हम लोग चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि के विषय पर। 9 अप्रैल 2024 को प्रातः बेला से ही नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करने पर मानसिक तनाव बेचैनी जो स्थिति रहती है वह समाप्त होती है एवं मनवांछित कामना पूर्ति होती है, ऐसा मार्कंडेय पुराण का मत है। 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ भगवती अपने नामों से जानी जाती है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा एवं सिद्धदात्री जैसे 9 रूपों में माँ भगवती को जाना जाता है। जो भी जिस कामना पूर्ति के लिए भगवती की आराधना अनुष्ठान करता करवाता है उसे मनमांचे फल की प्राप्ति होती है एवं माँ भगवती की चरणों की असीम अनुकंपा उस व्यक्ति पर प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग प्रातः बेला में ही 7 बजे से और 9:31 तक घट स्थापना, नवग्रह मंडल, 64 योगिनी, 16 मात्र का आदि की स्थापना करें, तत्पश्चात पूजन एवं पाठ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी इस प्रकार से करता है माँ भगवती की कृपा उस व्यक्ति पर वर्षती रहती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।